हेलो बच्चों, हम कर रहे थे बच्चों क्या स्लेप्ट। हमने सोशल डिस्कस कर लिया था, लीगल कर लिया, इकोनॉमिकल कर लिया, बचा है हमारा पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल। आज हम दोनों डिस्कस करके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आपके डायमेंशंस खत्म करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म करेंगे। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है, आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि भैया आप गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, MCD, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। जो डिसीजंस लेते हैं बिजनेस रिलेटेड वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हमारी की कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कि क्या हमारी जैसे इस समय BJP के पूर्ण बहुमत है, मतलब 100% मेजोरिटी है, उनको किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारी इस समय जो पॉलिटिकल कंडीशन है इंडिया में बहुत ही स्टेबल चल रही है। जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बच्चों। जैसे चाइना में कभी गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स चाइना में है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी एक ही पॉलिसी है, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें, अमेरिका में बात करें, तो इंडिया में 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और अमेरिका में 4 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना 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 सोचने का तरीका है किस तरह से बिजनेस को सपोर्ट किया जाए। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स जो है चाइना में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, रीज़न बीइंग वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, वहाँ पॉलिसी चेंज नहीं होने वाली। तो अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी पीस इन द कंट्री, अगर हमारी आपने देखा होगा कि जब एक स्टेबल, जब से मोदी सरकार हुई है शेयर मार्केट काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि इन्वेस्टर का विश्वास है कि 5 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, एक जैसी पॉलिसी फॉलो करेगी जो बिजनेस को एक जैसा फॉलो करेगी, जो कि बिजनेस को फायदा होगा। तो अगर आपका, याद रखिएगा, स्टेबल गवर्नमेंट आती है जिसकी फुल मेजोरिटी है, तो ऑब्वियसली बिजनेस के सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं, उन्हें पता है वो एक जैसा बिजनेस को सपोर्ट करेगी और बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन जैसे 95 से लेकर आपका 2000 का टाइम था हमारे देश में, कभी एक सरकार आ रही थी, कभी दूसरी सरकार आ रही थी, हर 12 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता था, तो वहाँ पर पॉलिसी एक रहती नहीं है, तो बिजनेस के लिए डेंजरस है। तो पॉलिटिकल कंडीशन की भैया किस तरह स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये सब किसके अंदर आ जाता है बच्चों, आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, पर्टिकुलर जैसे आपके मोदी जी हैं, वो अदानी जी को सपोर्ट करते हैं, ऐसी जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट है वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, जैसे ऑब्वियसली जिंदल को सपोर्ट करेगी, वो उनके जो उनके बंदे हैं उनको सपोर्ट करेगी, तो उस तरह के बिजनेस को सपोर्ट करती है। तो स्पेसिफिक एटीट्यूड की गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स बिजनेस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बिजनेस की तरफ क्या एटीट्यूड है, तो अदानी को सपोर्ट करते हैं मोदी जी या उनकी सरकार, तो ऑब्वियसली फायदा है। इसी तरह अगर हम बात करें कांग्रेस किसी और को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगी, ठीक है जी, तो उसी तरह के बिजनेस को सपोर्ट करेगी जो उनको आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो इसके जो कॉम्पोनेंट है, तो जो गवर्नमेंट बिजनेस को किस तरह से सपोर्ट कर रही है, वो सब इसके कॉम्पोनेंट है। अगर किसी गवर्नमेंट कहते हैं कि इस बिजनेस को हम सब्सिडी देंगे, हाँ इस बिजनेस को हम सपोर्ट नहीं करेंगे या सपोर्ट करेंगे फाइनेंस देके, तो ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम क्या, BJP है या कांग्रेस है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे BJP कहते हैं हम अपने देश में सब कुछ बनाए, कांग्रेस कहते नहीं हमें वर्ल्ड को इकोनॉमिक वर्ल्ड क्या वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, तो वर्ल्ड से लेकर आओ। मोदी जी कहते नहीं यहीं पे वो टेक्नोलॉजी बनाओ, यहीं पे मेक इन इंडिया करो, मेड इन इंडिया करो, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेड इन इंडिया की, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक्सटेंडेड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हमारे बिजनेस में गवर्नमेंट कितनी इंटरवेंशन देती है, अगर हमारे गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है तो बिजनेस के लिए हार्मफुल है, अगर इंटरवेंशन की जगह सपोर्ट कर रही है तो फायदा है। रिलेशनशिप वो कंट्री विथ फॉरन कंट्रीज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाती है, जैसे हमारे चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस को इफेक्ट करता है। हम चाइना से कम इम्पोर्ट करेंगे और पाकिस्तान से तो हमारा वही बैन है, इम्पोर्ट ही बैन है। तो ये सारी जो रिलेशनशिप विद फॉरन कंट्रीज, एक्सटेंडेड नेचर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट हमारे बिजनेस सपोर्ट करती है अगेंस्ट है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जैसे BJP गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है कि स्वदेशी अपनाएं, यानी कि हमें मेड इन इंडिया करना चाहिए। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि BJP हो या कांग्रेस, ये सब चीज़ें बिजनेस को इफेक्ट डालती हैं, अपने अपने फायदे डालते हैं। BJP गवर्नमेंट आएगी तो अदानी को फायदा होगा, और अगर BJP गवर्नमेंट चल जाएगी अदानी को नुकसान होगा, अपने बिजनेसमैन वालों को फायदा देगी, ऐसा होता है हमेशा। तो अगर हम बात करें इसका एग्जांपल, ये जो पॉलिटिकल कंडीशन, स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो सफाई के बिजनेस में है उनको फायदा हो रहा है,
ठीक है जी। तो आप ये मत सोचिए कि ये स्वच्छ भारत मिशन से हमारे बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है। अगर आप सफाई के बिजनेस में, क्लीनिंग के बिजनेस में, डस्टबिन बनाने के बिजनेस में हैं, तो आपको फायदा हो रहा है। लोकल फॉर वोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि भैया हम उनको सपोर्ट करेंगे जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स फॉरेन से मंगवाते हैं और वो अब वो इंडिया में अगर बनेंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सब्सिडी देंगे, उनको फाइनेंस सस्ते रेट में दिलवाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी। मोदी सरकार आने से पहले हमारे देश में बहुत मुश्किल था फॉरेन कंपनीज का आना और उनका बिजनेस करना, लेकिन मोदी सरकार ने उनके लिए वन क्लियर विंडो बनाई जिस वजह से हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया बहुत काफ़ी ज़्यादा तरक्की मतलब नीचे आ गया, आसानी से हम बिजनेस कर सकते हैं। लास्ट डिस्प्यूट विद अदर कंट्रीज है चाइना और पाकिस्तान। ऑब्वियसली जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी गलवान के दौरान तो क्या हुआ था, हमारे हमने कहा था हम उनको बायकॉट कर दीजिए, बायकॉट मूवमेंट चला था पाकिस्तान से। जब बालाकोट वगैरह हुआ जो हमारे जो टेररिज्म होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान से तो हमने बिजनेस ही रोक दिया। ये सब जो डिस्प्यूट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल कैसे आएगा, वही हम मेरे जो दो केस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे उसको डिस्कस करते हैं। एक हमारा कोरोना की थी कि कोरोना में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया तो कौन सी इन्वायरमेंट का पार्ट है, लॉकडाउन होना इज अ लीगल इन्वायरमेंट। लोगों ने भी कहा कि नहीं हम भी अपने हाथ धोएंगे, हम भी मास्क पहनेंगे, कौन सी इन्वायरमेंट का पार्ट है, सोशल इन्वायरमेंट। उसके बाद लोगों ने क्या किया, बिजनेस में आ गए सैनिटाइजर बनाने के, लोग बिजनेस में आ गए मास्क बनाने के, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट ने भी उनको प्रमोट किया जो पीपी किट बना रहे हैं, जो मास्क बना रहे हैं, उनको उनको हेल्प करके सब्सिडी देके। तो ये किसका पार्ट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। फिर मैंने एक आपको केस स्टडी का एग्जांपल देता हूँ बच्चों, किस चीज़ का, जूट प्लास्टिक बैन हो गया, किसका पार्ट है, लीगल इन्वायरमेंट का। कोर्ट ने बैन कर दिया, लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। लोगों ने भी समझा कि ये हार्मफुल है हमारे लिए, हेल्थ के लिए, लोगों ने भी प्लास्टिक बैन करना छोड़ यूज़ करना छोड़ दिया, किसका पार्ट है, सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसके बाद कई लोग जूट बैग के इंडस्ट्री का बिजनेस में आ गए कि उनको लगा कि जूट बैग्स ही होगा, इससे बिजनेस बढ़ेगा, तो ये आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। फिर उसके बाद आपका कहते हैं गवर्नमेंट ने भी ऐसी जूट बैग बनाने वालों को सब्सिडी दी, प्रमोट करने की कोशिश की, फाइनेंस अवेलेबल कराने की कोशिश की, ये किसका इन्वायरमेंट का पार्ट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे केस स्टडी आएंगी, आपको लाइन कोड करनी होगी, आपको बताना पड़ेगा कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट है। पाँच में बच्चों फ्री गया, पाँच से छः नंबर। एंड लास्ट आपकी इन्वायरमेंट है बच्चों टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जब भी वो जो टेक्नोलॉजी की बात होती है, नए इनोवेशंस की बात हो, नए मेथड्स की बात हो, ये सब किस में आ जाएगा, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है रोज़ टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो जाती है, फोन्स की बात करो रोज़ नए तरह के फोन्स आ जाते हैं, इवन हमारा ये जो डिजिटल बोर्ड है वो भी रोज़ नया तरह का आ जाता है। ठीक है, तो अगर साइंटिफिक इंप्रूवमेंट इनोवेशन की बात हो, आप टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करेंगे, नए वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो, कोई नया नया तरीके का जिससे गुड्स नई तरीके से बनेगा उस तरह की बात हो, आप टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करोगे। नए मेथड एंड टेक्निक्स की बात हो बिजनेस की, आप टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करेंगे। R&D एक्टिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब टेक्नोलॉजिकल पार्ट है। इनोवेशन, न्यू इक्विपमेंट्स, नए इक्विपमेंट्स की बात हो, टेक्नोलॉजिकल का पार्ट है। यानी कि नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस, न्यू इक्विपमेंट, जैसी चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी की बात हो, आप टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का पार्ट करोगे। मुझे बहुत ही आसान है, जो हमारा एग्जांपल चल रहा था कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, नई मशीनें आ गई जो मास्क जल्दी से बना देंगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, नई मशीनें आ जाना। ठीक है, इनोवेशन हुई जिससे कि कोविड वैक्सीन बन सके, इनोवेशन होना जिससे कोविड वैक्सीन बन जाए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर हम प्लास्टिक का बैन करेंगे, नई तरह की मशीनें आ रही है इंडिया में जिससे कि जूट बैग फटाफट बन जाए और सस्ते बन जाए, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में R&D आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा, इनोवेशंस आएंगे, न्यू मेथड्स आएगा बनाने का गुड्स का, जिससे कॉस्ट कम हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, ये सब आ जाएगा जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो जो इस तरह से हमने क्या कंप्लीट कर लिया, स्लैप कंप्लीट कर लिया, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। काफ़ी सबसे बच्चों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की जहाँ से 5 से 6 नंबर का आएगा, आपको लाइन कोड करनी होगी और आपको बताना पड़ेगा कौन सी इन्वायरमेंट का पार्ट है। थैंक यू बच्चों, इसको अच्छी तरह कीजिएगा, जरूर आएगा 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू।